दिल्ली में अब सरकार की रूपरेखा बदल गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब कोई बड़ा फैसला या फिर कहें कोई भी फैसला स्वयं नहीं ले पाएंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार लागू कर दिया है, यानी दिल्ली में उपराज्यपाल सर्वोपरि होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकार का मतलब उपराज्यपाल की सरकार कही जाएगी। GNCTD एक्ट यानी राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधित कानून 2021 की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद अब दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजनी होंगी। उपराज्यपाल की सरकार को लेकर पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि इस कानून में लिखा है कि दिल्ली सरकार का मतलब LG, तो फिर हमारा क्या मतलब होगा, फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा, ऐसे में दिल्ली की जनता कहां जाएगी, फिर चुनाव ही क्यों कराए गए थे। आप पार्टी ने साफ कहा है कि देश के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने स्पष्ट तौर पर वर्ष 2018 में फैसला दिया था कि दिल्ली में सरकार का मतलब लोकतांत्रिक ढंग से जनता के वोट से चुनी हुई एक सरकार होगी जिसकी अगुवाई दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, LG नहीं। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजाल दिल्ली के बड़े फैसले अब इनके ही दस्तखत से किए जाएंगे, ना कि सीएम अरविंद केजरीवाल के। हालांकि अब तक दिल्ली सीएम की ओर से किसी प्रकार का बयान नहीं आया है।